बहुत खेल लिए बच्चों। बच्चों स्पोर्ट खेलो, गेम नहीं। इसका क्या मतलब हुआ नानी? आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। वुडवर्ड जंगल में एडी और उसके दोस्त कबड्डी टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे थे। कबड्डी 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 कबड्डी। तुम सब मिट्टी के शेर हो। टूर्नामेंट में हम लोग तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में हमें मिला सके इतना किसी में दम नहीं। हम वर्ल्ड चैंपियंस तो नहीं पर उससे कुछ कम भी नहीं। अब दे जवाब इस शेर का। ये शेर नहीं ये भालू है। इसका जवाब हम तुम्हें कबड्डी के मैदान में देंगे। अच्छा लगता है तुम्हें पिछली बार की हार याद नहीं है। चिंता मत करो इस बार तो हम तुम्हें नानी याद दिला देंगे। और अब आज का आखिरी कबड्डी का मुकाबला मिसाल्टो ब्रदर्स और एडी की टीम के बीच काफी टक्कर का मुकाबला है। जो भी आज जीतेगा वही इस मुकाबले का विजेता होगा। दोस्तों ये मैच हर हाल में जीतना है। पर कैसे? ऐसे अब जब भी रेड करने जाओगे ये ऑयल लगा कर जाना। वेरी गुड। चिकने हाथ होने की वजह से ये लोग हमें पकड़ नहीं पाएंगे। आड़ी ये तो चीटिंग होगी। हमें किसी भी तरह ये मैच जीतना है। बाय हुक और बाय क्रुक। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। जीतना है हर हाल में, फंसा कर इन्हें अपने जाल में। और इस टूर्नामेंट के विजेता हैं एडी और उसकी टीम। इंटर जंगल कबड्डी टूर्नामेंट के लिए हमारे जंगल से जो टीम खेलने जाएगी वो टीम होगी साल्डो ब्रदर्स की। अंकल हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों ने चीटिंग की है। इस जीत के असली हकदार मिसाल्टो ब्रदर्स हैं। चीटिंग करके इंसान एक या दो गेम तो जीत सकता है पर चैंपियन नहीं बन सकता। तुम लोगों से गलती जरूर हुई है पर तुम लोगों ने उस गलती को मानकर दिखा दिया तुम लोगों के अंदर असली स्पोर्ट्समैन वाली बात है। खेल में जीतना इम्पोर्टेंट तो है लेकिन ईमानदारी से बेईमानी से कुछ हासिल नहीं होता।
किसी भी खेल में हार जीत तो होती ही है, सही तरीके से खेल खेलना ज्यादा जरूरी है। कुछ समझ में आया? जी हाँ नानी, बेईमानी से जीतना बुरी बात है। समझ गए नानी, जीतो मगर ईमानदारी से। चलो बच्चों ने आज का सबक सीख लिया।